दिखाते हैं आपको कि मध्य प्रदेश में आखिरकार किसे जिम्मेदारी दी गई है, कौन है जो विधायकों के मन को टटोलेगा, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा किस पर्यवेक्षक का क्या काम होगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम है हरियाणा के, इन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है, सीएम चुनाव में अनुभव का इस्तेमाल ये करेंगे। दूसरे पर्यवेक्षक हैं के लक्ष्मण, अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के, इन्हें क्या काम दिया गया है, ओबीसी विधायकों को भरोसे में लेना इन्हें होगा। बिल्कुल, और आशा लकड़ा हैं, सचिव हैं, संगठन की रिपोर्ट पेश करना इनका काम है। तो ये तीन पर्यवेक्षक हैं और इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म करें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़े। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं, भोपाल से ही मनोज्ञा लोहिवाल भी जुड़ गई हैं, भोपाल से आशीष भी हमारे साथ बने हैं। ब्रजेश, आपके पास आ रहे हैं, पर्यवेक्षक अब पहुँचने वाले हैं। इन सब के बीच दो तस्वीरों की चर्चा बहुत है, एक तो शिवराज सिंह चौहान जो तमाम किले बंदी में लगे हुए 2024 की लाडली बहनों के बीच जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल का मूवमेंट भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक अलग अलग जगह हो रहा है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या चल रहा है वहां की फिजाओं में? देखिए, फिलहाल तो बहुत अनिश्चितता की स्थिति है, सारे लोग भोपाल से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता। पिछले तीन दिन से भोपाल के दफ्तर में सन्नाटा है, लोग यही पूछ रहे हैं, हम लोग जो यहाँ के लाइव करते हैं, कि क्या होने वाला है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मगर थोड़ी देर बाद वो ये कह के भी चले जाते हैं कि हाँ, हमको मालूम है मोदी शाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। मगर फिर भोपाल में जो कुछ घट रहा है उससे साफ है कि बहुत सारी गतिविधियाँ अंदर खाने में चल रही हैं। कल प्रहलाद पटेल दिन भर यहाँ थे, आज वो जरूर दमोह चले गए हैं, उनको उनकी संसदीय क्षेत्र में कुछ काम है। मगर कल उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कि जिस तरीके से जोधपुरी कोट सूट पहन के वो गए, उसे लग गया कि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ संकेत दिए गए हैं। उसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान अपने अलग ही मिशन पर लग गए हैं और वो बजाय दिल्ली जाने के, किसी को बधाई देने जाने के, अपने भोपाल में ही सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में उन सीटों पर जा रही हैं जहाँ पर कांग्रेस जीती है, जैसे छिंदवाड़ा गए थे, राहुलगढ़ गए थे और आज शायद वो हरदा जाएंगे, जिन जिलों में कांग्रेस साफ हुई है। वो बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि वो सीएम पद की लाइन में नहीं, और शायद ये इस बात को सच भी माना जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि तीन पर्यवेक्षक आ रहे हैं और पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में 30 साल बाद आ रहे हैं। इससे पहले वो 2003 में आए थे जब उमा भारती को मुख्यमंत्री चुना जाना था। तो कुल मिला के बड़ा घटना का मध्य प्रदेश में होने वाला है। मगर जो 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उस बारे में बता दूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर है। ठीक है, तो पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक। मनुज्ञा, इतनी सारी गतिविधियां चल रही हैं भोपाल में और सब लोग जो हैं एक्टिव नजर आ रहे हैं, कितना संभव माना जाए कि 48 घंटे में जो सीएम का चेहरा है वो सामने आ सकता है, जो सस्पेंस है वो टूट सकता है, कितना संभव माना जाए? देखिए, एक ऐसी फाइल है जिसमें नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसे अभी जनता के सामने पेश करना बाकी है, और दोपहर यानी कि सोमवार की शाम को 4 बजे जब ये बैठक होगी तब इस नाम की पेशकश की जाएगी। लेकिन मैं इस समय सिटी ऑफ लेक्स में हूँ, भोपाल में हूँ, और सिटी ऑफ लेक्स की एक खासियत होती है कि यहाँ ज़मीन पर आपको यानी कि स्तर पर जल का स्तर और जल का जो प्रवाह जितना शांत दिखता है उतना ही तेज करंट जमीन के नीचे यानी कि पानी के नीचे होगा। ठीक उसी तरह इस समय भोपाल और मध्य प्रदेश की राजनीति का भी माहौल है, यानी कि ऊपर आपको जितना सन्नाटा और जितना ठंड या जितना ठहराव दिख रहा है उतनी ही आग और उतना ही तेज करंट जमीन के नीचे है। हर विधायक, हर नेता, हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षकों को तो ये पता होगा कि नाम किसकी पेशकश करनी है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में आपको अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन जैसी बात ब्रजेश ने कही कि 2003 से लेकर 2023 तक का समय और इतना प्रचंड बहुमत, बिल्कुल, और 30 साल के बाद पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं, सब कुछ अंडर करंट है। लेकिन आशीष, ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि बीजेपी में अनुशासन अमूमन कम टूटता है, सभी नेता खामोश हैं, आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिया है? जितने नाम चल रहे हैं, जनता किससे उम्मीद लगाए बैठी है कि इस व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए मध्य प्रदेश का? देखिए, अगर हम जनता की बात करें तो जाहिर तौर पर जनता में उत्सुकता है। हम इंदौर में थे और अभी हम भोपाल में हैं, कल हम इंदौर में थे और इंदौर से हम भोपाल पहुंचे हैं। इंदौर में भी जगह जगह पर चर्चा इसी बात की हो रही थी, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर जो लॉबिंग हो रही है उसकी चर्चा आम जनता भी कर रही है कि कौन हो सकता है, किसके दावे ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा पुख्ते हैं, किसका कनेक्शन दिल्ली में ज़्यादा है, किसका जातिगत आंकड़ा बहुत सही है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो करीब 50% ओबीसी हैं। शिवराज सिंह चौहान किराड़ जाति से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रहलाद पटेल का ब्रजेश जी ने जैसे जिक्र किया, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं।
एक जो पर्यवेक्षक जो यहाँ आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे पर्यवेक्षक जो डॉक्टर के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं। बिल्कुल तो आशीष, कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में जो पर्यवेक्षक है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि अगले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं तीनों राज्यों के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।